रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को लेकर इस बार का बजट कुछ खास हो सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए सरकार कई बड़े ऐलान करने की तैयारी कर रही है और क्या कुछ खास होगा इस सेक्टर में, ये जानने के लिए आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट प्रकाश प्रियदर्शी की एक्सक्लूसिव खबर। रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट हासिल करने के लिए बजट में इस बार बड़े ऐलान हो सकते हैं। सरकार रूफटॉप सोलर पैनल के लिए टैक्स छूट की घोषणा कर सकती है, साथ ही रूफटॉप सोलर पैनल मैन्युफैक्चरर्स को भी बड़ी राहत दी जा सकती है। सरकार सोलर सेल की कीमतें घटाने के लिए भी टैक्स छूट दे सकती है। अभी जो सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे सामने वो बेसिकली टैक्सेशन का है, जो GST का है। उस वक्त अगर GST आ गया हमारे प्लांट लगाने के बीच में तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा, तकरीबन 15-20% का इम्पैक्ट आ रहा है उसके ऊपर। हमने पिछले 2 साल में 20% सोलर की कॉस्ट नीचे आई है, तो वो जो नीचे आई है अगर वो 20% ही लगा देते हैं तो वो कॉस्ट पूरी बराबर हो जाएगी, हम दोबारा 2 साल पहले की उस पर आके खड़े हो जाएंगे। सोलर प्लांट लगाने के खर्च को भी कम करने की तैयारी की जा रही है। सोलर प्लांट का खर्च 100 रुपए प्रति वॉट से कम लाने के लिए पैनल पर सब्सिडी की भी योजना है। फिलहाल सिलिकॉन पैनल पर प्रति वॉट 200-250 रुपए खर्च आ रहा है। चीन में बने सस्ते पैनल के मुकाबले डोमेस्टिक पैनल करीब 40% महंगा है। इसे देखते हुए सरकार डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए टैक्स SOP दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की ओर से सोलर प्लांट लगाने के लिए लोन रेट 1.50% से 2% कम की जा सकती है। एजेंसी 9.90% से 10.75% तक लोन दे रही है। हालांकि पहले प्लांट की रेटिंग करनी जरूरी है। इतना ही नहीं, सरकार लोन अदायगी के लिए 9 साल की अवधि बढ़ाने की सोच रही है। सूत्रों के मुताबिक सोलर सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए IRDA से मिलने वाले लोन की रजिस्ट्रेशन फीस 30-40% घट सकती है। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री ने सोलर और विंड एनर्जी के लिए टैक्स छूट और फंड बढ़ाने के लिए वित्त मंत्रालय से सिफारिश की है। इसके अलावा पावर मिनिस्ट्री ने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स के लिए टैक्स छूट की बात रखी है, साथ ही हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को रिन्यूएबल कैटेगरी में डालने की डिमांड की है। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को भी सोलर और विंड एनर्जी की तरह टैक्स छूट मिल सके। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया।